आज दिनांक 24 मार्च 2023 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसदीय माननीय राहुल गांधी की सदस्यता से दुर्भावनापूर्वक षड्यंत्र कर भाजपा के साठ गांठ कर लोकसभा अध्यक्ष ने हमारे नेता की सदस्यता खत्म की है। यह प्रजातंत्र की निर्मम हत्या है। आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी घनघोर राजनीतिक षड्यंत्र पहली बार संसद में किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज भारतवर्ष में गरीबों और मजलूमों की आवाज बनना उतना ही कठिन हो गया है जितना विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन के नेतृत्व में जयस्तंभ चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश मिश्रा, खिलान सिंह रघुवंशी, विकास शर्मा, प्रदेश कांग्रेस महासचिव देवेंद्र सिंह रघुवंशी, दीपू रवि तिवारी, सुनील पिघले, सत्यप्रकाश सेन, राजकुमार सेन, अजीज भाई, कृष्ण मोहन शर्मा, मंजू कुशवाहा, मनी भाई अहिरवार, विष्णु प्रसाद शर्मा, अजय तिवारी, संतोष अहिरवार, नितिन दिवे, इमरान खान, लाला राम चंदेल, विनोद जैन तथा तोरण सिंह रघुवंशी, रणधीर रघुवंशी, सचिन रघुवंशी, पलाश जैन, ऋषि जैन, अनिल अहिरवार, हर्ष शर्मा, विक्की यादव, बंटी मेहता, सुरेश पाल, ओमकार दांगी, अमित पंथी, बी डी शर्मा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंदे भारत न्यूज रिपोर्ट, बंटी बाबा, नफीस खान। आज प्रजातंत्र का के लिए काला दिवस है। अरे इतनी तानाशाही तो लड़के जमाने में नहीं हुई। एक देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यदि क्वेश्चन लगते हैं दिल्ली में तो 180 FIR की जाती है। और गुजरात की सूरत न्यायालय ने फैसला दिया और मानहानि केस में अधिकतम सजा दी राहुल जी को, और उन्होंने 30 दिन का समय दिया अपील करने के लिए और सजा लागू करने के लिए भी 30 दिन का समय दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने सरकार के दबाव में जो राहुल जी को घोषित किया है, ये प्रजातंत्र के लिए घोर अपमान है, लोकतंत्र का घोर अपमान है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष ने जो फैसला लिया है, हम उसकी निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं, क्योंकि पूरी भाजपा, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान सब राहुल जी की लोकप्रियता से परेशान है और इसी तरह के हथकंडे अपनाकर कांग्रेस की और उनकी आवाज दबाना चाहते हैं। पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक सिपाही राहुल जी के नेतृत्व में हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। एकता और विश्वास